पुरुषाच्या जागी महिलेचा मृतदेह, लता मंगेशकर हॉस्पिटलातील घटना, अंत्यसंस्काराच्या वेळी लक्षात आले चूक, कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाची मृत्यूनंतर अवहेलना थांबण्याचे नाव काही घेत नाही, लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या पुरुषाच्या जागी महिलेच्या मृत्यू दिल्याने मोक्षधाम घाटावर अंत्यसंस्कारच्या वेळी ही बाब लक्षात आली आणि मोठा अनर्थ टळला. आपले माणूस गेल्यानंतर दुःखात असलेल्या नातेवाईकांना नाहक मनस्तापाला समोर जावे लागत आहे. या प्रकरणात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची चूक असल्याचे हॉस्पिटलचे म्हणणे आहे. मात्र मृतदेह ओळख पटवून मृतदेहाच्या ताबा दिला असे म्हणणे डॉक्टर काजल मित्रा, अधिष्ठाता लता मंगेशकर हॉस्पिटल यांचे म्हणणे आहे. मैं प्रेमलाल बांदककर, माजी नगरसेवक, जुनी मंगलवारी. मैं गंगाबाई घाट से बोल रहा हूँ. हमारे जीजाजी शंकर सेठे, जो पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त है, वो कोविड से पिछले 10-12 दिन से लता मंगेशकर हॉस्पिटल वाना डोंगरी में कोविड के इलाज के लिए उनको भर्ती किए थे. 10-12 दिन इलाज हुआ. कल रात में लता मंगेशकर हॉस्पिटल से डॉक्टर लोग उनके लड़के को, मयूर सेठे को, बताते हैं कि आपके फादर शंकर सेठे ये एक्सपायर्ड हो गए. हम लोग वहाँ पर पहुँचे, साथ ही साथ उनकी पत्नी भी वहाँ पर एडमिट थे, तुलसाबाई सेठे. शंकर सेठे ये आईसीयू में थे. इनका कल निधन होने के बाद हम लोग आज सवेरे बॉडी के लिए गए. महानगर पालिका की टीम ने उनको बॉडी सुपुर्द किया. लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने महानगर पालिका इसको बॉडी हैंडओवर किया. और वो बॉडी में शंकर सेठे करके लिखा हुआ था. और शंकर सेठे के जगह हुआ ये कि वो बॉडी जब हम गंगाबाई घाट पर अंत्य संस्कार के लिए लाए तो वहाँ पर उनकी बेटी, वो उनकी इच्छा थी कि पापा का मुझे चेहरा देखना है. जब उन्होंने चेहरा देखने के लिए हमने कॉरपोरेशन के कोविड के कर्मचारियों के माध्यम से वो किट को खोला तो उसमें पता चला कि शंकर सेठे मृतक का बॉडी उसमें नहीं है, बल्कि उसकी जगह किसी महिला की बॉडी थी. हमारी आँख खुल गई. हम जैसे महानगर पालिका को फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि तुम लता मंगेशकर हॉस्पिटल में फ़ोन लगाओ. लता मंगेशकर वाले वो बोलते हैं कि हमने तुमको बॉडी दिया, अब तुम देखो. परंतु वो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे. उसके बाद में हमने कोविड-19 के कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाए. पता नहीं फिर लता मंगेशकर को क्या हुआ. उनके माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि तुम्हारी बॉडी, शंकर सेठे का बॉडी, ये मोक्षधाम पर है करके. फिर मोक्षधाम वालों ने एम्बुलेंस के माध्यम से वो बॉडी को यहाँ पर भेजे. और फिर वो बॉडी, महिला की बॉडी के जगह शंकर सेठे का बॉडी भेजा. और शंकर सेठे का बॉडी में महिला का नाम का स्टिकर लगा हुआ था. ये है दवाखाने के आरोग्य विभाग की लापरवाही, जिसके कारण जनता को भुगतना पड़ रहा है. आम जनता, हर इंसान इससे परेशान है. कोई भी दवाखाना जाने के लिए डरता है. और दवाखाने में जाने के बाद घंटों तक के वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है. फिर भी दवाखाने में नंबर नहीं लगता है. और नंबर लग गए तो उसके बाद में घर का आदमी पैदल जाता है और दवाखाने से सीधा घर न पहुँचते हुए, सुधरते हुए गंगाबाई घाट पर जाता है. ये महानगर पालिका प्रशासन, इनकी लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. कृपया आप सभी से निवेदन करते हैं, पत्रकार भाइयों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि यह जन जागृति करो और प्रशासन को उजागर करो. और हमारे साथ ही साथ शंकर सेठे का जो बॉडी यहाँ पर आया, कोविड का पेशेंट का डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई पीएम नहीं करते, परंतु हमारी बॉडी का पेट का पूरा सर्जरी कटा हुआ है. और पेशेंट, ये जो बॉडी है पूरी ब्लीडिंग से भरी हुई है. शंकर सेठे मृतक शंकर सेठे का चेहरा पूरा दबा हुआ है. यह जानकारी आप प्रशासन तक, महाराष्ट्र राज्य और भारत सरकार तक पहुँचाएं, यही मैं आपसे विनती करता हूँ. नमस्कार.